लव जिहाद की कथित घटनाओं के खिलाफ उत्तरकाशी के पुराली कस्बे में महापंचायत होनी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और इलाके में धारा 144 लगाकर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। इस महापंचायत का समर्थन कर रहे देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक और निरंजनी अखाड़ी के संत स्वामी दर्शन भारती को जान से मारने की धमकी भी मिली, जिसके बाद संत समाज में काफी आक्रोश है। उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ओवैसी ने भी ट्वीट के माध्यम से महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की है। महापंचायत का समर्थन कर रहे संत स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उनका सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि वे किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति के लिए उनका समर्थन जारी रहेगा। वहीं ओवैसी को लेकर दर्शन भारती का कहना है कि उनके कहने से महापंचायत पर रोक नहीं लगेगी। कि मेरे भावी भविष्य मेरे सर कलम होने के बाद भी इस लड़ाई को 10 गुना तेज करेगा तो मेरे अपने सर की कोई चिंता नहीं है। और जहां तक सर कलम करने वाली बात है, ये तो बहुत सारी धमकियां दे चुके हैं और रोज धमकी देते रहते हैं। हमारा काम अपनी जनता को जागरूक करना है और देवभूमि की सनातन संस्कृति को बचाना है, तो हम उसके लिए कार्यरत रहेंगे हमेशा। देवभूमि से लव जिहाद, लैंड जिहाद रूपी राक्षस हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए। स्वामी दर्शन भारती को मिली धमकी के बाद संत समाज में भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है। स्वामी आदि योगी महाराज का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को खुलेआम धमकी देना ये निंदनीय बात है। इस तरह के जिहादी प्रवृत्ति के लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। संत समाज हमेशा ही जिहादियों से युद्ध करता रहा है, संत समाज कभी झुका नहीं। तब धमकी खुलेआम देना, किसी को ओपन खुला लेटर घर में पर्चे फेंकने, मैं समझता हूँ ये तो बहुत घटिया है। ये जिहादी संगठन जितने भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और साधु संत समाज, यानी पता नहीं है जिहादियों को, ये साधु संत समाज हमेशा से सनातन की लड़ाई लड़ता रहा, तुमने कितने भी सर कलम करे, ये संत समाज आज तक झुका नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।